विकास गोस्वामी जैसा पत्रकार जाके बड़ालगंज के चिल्लूपार जैसे विधानसभा में कवरेज करता है, आपने उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया। यह न्याय व्यवस्था है आपकी, ऐसे न्याय व्यवस्था नहीं होती। इसमें ये बोल के आप मुझे अपनी तरफ मत कहूंगा। अलीस ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सच्चाई का सवाल किया, उनको जेल दिया गया। 100 कुछ कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई, आखिर किसके सरकार में हुई है? मैं ये सारी चीज एक पत्रकार जो बेसिक शिक्षा विभाग के कमी को दिखाता है, नून रोटी खाते हुए बच्चे को दिखाता है, तुमने उसको रगड़ दिया केवल इस वजह से कि वो सच्चाई दिखाता है। आप केवल इन्हीं विधायक जी के साथ गलत हुआ था। अंकित जी इस बात का दर्द तो मेरे साथ भी है, सुन लीजिए। अब एक पत्रकार का भी दर्द सुन लीजिए। हालांकि मुझे अपनी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे सहित ये तमाम पत्रकारों की बात है। यह बात तो सही है, मैं आपके पार्टी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन आपके पार्टी में कुछ एक ऐसे नेता जरूर हैं जो सच्चाई दिखाने पे कवरेज करने पे मुकदमा तो कर देते हैं, आवाज दबाने के लिए मुकदमा तो कर देते हैं। अब वो पार्टी का निर्णय है या फिर उस विधायक का, उस व्यक्ति विशेष का निर्णय है जो उसने किया, वो अलग बात है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, हमारी पार्टी कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई काम करने के लिए प्रेरित नहीं करती है, ना हमारी पार्टी किसी की। आप पत्रकार हैं, आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं कि आप जो चाहे सवाल जिससे पूछ सकते हैं। हमारी पार्टी इसके लिए नहीं काम करती है कि आप जो है, हमारी पार्टी सबका साथ कैसे हो, सबका विकास कैसे हो, इसी फार्मूले पर चल रही है। मैं चाहता हूं, आज अभी अखबार की बात हुई है और मुझे बहुत अच्छे से याद है, हालांकि मैं तब पत्रकार नहीं था, अब पत्रकार हूं, तो लोग पूछ लेते हैं कि तब ते कहां रहले हैं कमेंट बॉक्स में। जैसे कई बार मैं जब भाजपा से सवाल करता हूं तो कुछ लोग पूछ लेते हैं कि 2012-17 तू कहां रहला है। तब के भी अखबार में छिनैती जैसे, लूट जैसे, हत्या जैसे, बलात्कार जैसे आर्टिकल्स बहुत सारे आते थे, आज भी आते हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सारे लोग हैं, एनसीआरबी का डाटा उठाओ, पटल पे रख दो ना विधानसभा में, भागते क्यों हो यार? हम अपने पास से अखबार की बात आपने की, अखबार की बात आपने की, आप बता दीजिए कि क्या 12-17 तक ये सारी चीजें नहीं होती? मैं वही बात कह रहा हूँ कि एनसीआरबी के डाटा उठाओ, देख लो किसकी सरकार में ज्यादा अपराध है। मुंह से कह देने से नहीं होता है। आप पटल पे रखो, आपने कहा जातिवादी व्यवस्था थी, आपसे सूची मांगी गई, हालत खराब हो गई। मैं दिखाता हूं सूची अपने मोबाइल में आपको कि बुंदेलखंड के कृषि विश्वविद्यालय में कैसी जातिवादी व्यवस्था हुई है, देखिए। नहीं, आप मैं बताता हूं, 47 ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सच्चाई का सवाल किया, उनको जेल दिया गया। 100 कुछ कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई, आखिर किसके सरकार में हुई है? नहीं, कस्टोडियल डेथ हुई, ठीक है। मैं ये सारी एक पत्रकार जो बेसिक शिक्षा विभाग के कमी को दिखाता है, नून रोटी खाते हुए बच्चे को दिखाता है, तुमने उसको रगड़ दिया केवल इस वजह से कि वो सच्चाई दिखाता है। विकास गोस्वामी जैसा पत्रकार जाके बड़ालगंज के चिल्लूपार जैसे विधानसभा में कवरेज करता है, आपने उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया। यह न्याय व्यवस्था है आपकी, ऐसे न्याय व्यवस्था नहीं होती। इसमें ये बोल के आप मुझे अपनी तरफ मत कहूंगा, क्योंकि आपका भी जमीर जगना चाहिए और हर पत्रकार का जमीर जगा। मैंने सवाल किया उनसे और मैं अभी भी क्या बात कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल किया आपसे पहले। मैं बस ये बात कह रहा हूँ कि 12-17 जो हुआ, जनता ने जो जनमत हमको दिया, जनता ने जो जनमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो सबने स्वीकार किया। हम जब चुनाव लड़े, हारे जीते, हमने उसको कबूल किया। कुछ कमियां हैं, ईवीएम पे भी तो सवाल कर रहे हैं, कह रहा हूं कुछ कमियां हैं जिसके सुधार पे हम लगे हैं और डे बाय डे सुधार कर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में अच्छा परिणाम मिले। लेकिन वर्तमान में सरकार आप चलाओ, 6 साल से सरकार आपकी रहे, कोई घटना करो विपक्ष के ऊपर माइक लगा दो यार, ये कौन सी व्यवस्था होती है? जैसे लोगों पे मुख्तार, एक एएनआई के पत्रकार का घर गिरा दिया आपने, उसको आपने आप कह दिया वो माफिया का वो है, उसके बगल में एक वकील साहब का घर गिरा दिया आपने। अतिक जैसे पे कार्रवाई नहीं आपका, मैं क्या कह रहा हूं, आप किसी पे भी कार्रवाई करो, किसी भी अपराधी पे करो, उसका समर्थन है, लेकिन उसके एवज में किसी निर्दोष को तो प्रताड़ित मत करो यार। भाजपा से सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से फिर मैं आपके पास आऊंगा अनिल जी। अतिक अंसारी पे, मुख्तार पर, इन लोगों पे कार्रवाई हो रही है, कमेंट बॉक्स में सब हमको गरिया रहे हैं और इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जो मुख्यमंत्री जी के जात बिरादर के जो गुंडे माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? बस इस बात का जवाब दे दीजिए। बाकी अभी ये लोग अभी लाइन से नाम गिनाएंगे कि कितने लोग हैं, कितने लोगों के ऊपर मुकदमा, इस बात पे क्या जवाब है, क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी? सबसे पहले तो अगर आप बात करेंगे, मान लीजिए आपने मुख्यमंत्री जी का बात किया, मुख्यमंत्री जी हमारे संत हैं और संत परंपरा में जब कोई व्यक्ति आता है अब बोलने नहीं देंगे। संत जब कोई व्यक्ति संत परंपरा में आता है तो अपना जाति सब कुछ त्याग करके दीक्षित। ये मेरा सवाल नहीं है, विपक्ष कोई जाति नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी कार्रवाई हो रही है, उन घटनाओं के आधार पर वो कभी भी जाति मजहब पंथ देखकर नहीं होती है हमारे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और दूसरी बात यह रहा कि जो उन्होंने कहा कि 12 से 17
जो घटनाएं हुई उस पर सवाल न पूछा जाए, तो ये बताइए सवाल क्यों न पूछा जाए। कहावत सुने होंगे आप भोजपुरी में कि सुपो ऐसे सुपो चलनियो ऐसे जिक्रे 72 छेद। अभी अभी बात करेंगे जिनके जिनके राज में जो है बेटी बहुओं का चलना दूभर होता था, जो सैफई में नंगा नाच करते थे, जो सारे विकास कार्यों को ले जाकर के अपने एक प्रदेश अपने प्रदेश के एक जिले में ले जाकर के सीमित कर देते थे, जिनकी पहली कोई भर्ती होती थी तो पहले उनके घरों से लिस्ट आ जाती थी कि फला फला बिरादरी के फला फला लोग फला फला जिले से इस पद को सुशोभित करेंगे, जिसपे खुद जो है नीति आयोग ने जिसपे जो है डंडा चलाया हो कि आप इनको कैसे इस पद पर रख सकते हैं। वो जैसे लोग जो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, क्या मतलब अब एक मतलब ये भी अस्तर आ गया, मतलब एक मतलब चलनी भी हंस रही है जिसके पास इतने छेद हैं, ये तो बहुत जवाब ले लेते हैं। पहले अनिल जी, एक मिनट अनिल जी से।